सुषमा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है जी, इस पे भी अब कुछ लोग सोचने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन गई है जी, आपका क्या कहना है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये इश्यू फ्लैग किया था जब राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की विधि की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने उसका जवाब देते हुए संसद में एक बात कही थी कि जो बात आज आपने कही यहां कि सुप्रीम कोर्ट क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन गई है, आप मुझे बताइए कि अगर सरकार संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने देगी और अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डाइल्यूट करेगी या उसका इस्तेमाल नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? अभी आपने हसन अली का उदाहरण दिया, अगर हसन अली के वो 50,000 करोड़ का नोटिस देने के बाद भी बरी रखेगी और पकड़ेगी नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं? अगर सीवीसी की नियुक्ति में अपने एलओपी के डाइसेंट की अनदेखी करेगी सरकार और जवाब नहीं देगी और हठधर्मिता से उसी को नियुक्त करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं? आप तो ऑपोजिशन में हैं, ये सब बोलना बड़ा आसान है और जब आप ऑपोजिशन में रहे, लेकिन अगर आप कल सरकार चलाने की स्थिति में हो तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट इतना इंटरवेंशनिस्ट हो तो आपको कैसे सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं कर देता? अगर हम भी सरकार में रहकर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी करेंगे तो न्यायपालिका ये करेगी और करना चाहिए, लेकिन हम सरकार में रहकर ये ना करें, इसीलिए मैं ये कह रही हूं, ताकि कल को अगर हम भी करें तो लोग हमें शीशा दिखाकर कहें कि आपने ये कहा था। देखिए, न्यायपालिका सक्रिय कब होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म कब आता है? जब सरकार अनदेखी करती है अपनी जिम्मेदारी की। अब ये जो ब्लैक मनी है उसको अगर सरकार केवल टैक्स चोरी का मामला मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना कि केवल कर चोरी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। अगर सरकार अपनी संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने देगी और अपनी जिम्मेदारी निभाएगी नहीं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा ही। चाहिए ये कि सरकार स्वयं संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दे। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने एक आंकड़ा दिया 2G स्पेक्ट्रम में नुकसान का, और 4 आंकड़े दिए कि अगर ऐसा फार्मूला लगाते तो इतना होता, ये लगाते तो इतना होता, ये लगाते तो इतना होता। अब उस पर आपके सरकार का मंत्री कह रहा 0 लॉस है, तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा सुप्रीम कोर्ट? तो इसमें जो बात है अकबर जी, वो ये है कि सरकार स्वयं मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की गोदी में दे रही है, और जब सरकार की इस तरह के निर्णयों से लोग पीड़ित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुबह मोटो तो कर नहीं रहा, ऐसे मंत्रियों से तो आपका बड़ा फायदा होता है। नहीं देखिए, इसमें फायदा और नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति तो चलती नहीं, रहती नहीं है। लोकतंत्र को नुकसान होता है। सवाल है सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र को नुकसान होता है तो देश को नुकसान होता है, ये पक्ष विपक्ष के नुकसान फायदे की बात नहीं। बहुत 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 धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप सीधी बात में आई, और आपको सुषमा जी की बात सुन के जरूर मुझे लगता है टिप्पणी करने की इच्छा होगी। आप जैसे जानते हैं हमें ईमेल कीजिएगा sb@aajtak.com पर। फिर मुलाकात होगी, तब तक दिखते रहिए आज तक।